हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सर कमाल की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसमें किसानों को 6000 रुपए साल यानी कि 2000 रुपए की किस्त में वहां पर मिलते थे। तो ऐसे में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पर जाकर कुछ ऐसे नए ऑप्शन ऐड किए गए थे जिनको बिना समझे उन्होंने अपडेट कर दिया और वहां पर उनकी किस्त रुक गई। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से सारे किसान हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे स्टेटस कैसे शो हो रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खाता है उसमें पैसे क्यों नहीं आ रहे, यानी कि उनके पैसे रुक गए। अगर आप भी फ्यूचर में ऐसे कोई गलती करते हैं या फिर कर चुके हैं जिसकी वजह से आपका पेमेंट रुक गया है, या फिर आप करने वाले हो आने के आपका पेमेंट रुक सकता है, तो ऐसे में वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका पेमेंट रुक गया तो वो किस वजह से रुक गया, लोग क्यों क्या गलती कर रहे हैं, और जो पोर्टल पर नए अपडेट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो 14 किस्त यानी कि 14वीं जो किस्त आएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे pmkisan.gov.in, ये इसका ऑफिशियल लिंक है, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है रिलीज द 13 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 27 फरवरी 2023, यानी कि 27 फरवरी 2023 को आपकी 13वीं किस्त आ चुकी है। अब जो है हमें 14वीं किस्त का इंतजार है। जैसे ही 14वीं किस्त आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन फरवरी में था, अब मई चल रहा, हो सकता है मई के लास्ट तक और जून के शुरू में आपकी 14वीं किस्त आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर अपडेट के बारे में, मेजर ऑप्शन जो ऐड किए गए हैं इस पोर्टल पर, जो कि जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन ऑप्शंस को आकर के यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट कर रहे हैं और उनकी किस्त रुक जा रही है। और फ्यूचर में अगर आपने इन ऑप्शन को यूज करा या फिर इनको गलत बिना समझे इन ऑप्शन पर अपने डेटा को अपडेट करा तो आपकी किस्त रुक जाएगी और फ्यूचर में आपका अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा। इसलिए समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ही ऑप्शन ऐड किया गया है बेनिफिशियरी स्टेटस, एक ये ऐड किया है नेम करेक्शन एज पर आधार, और यहाँ पर एक ऐड किया है वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे एंड उसके बाद वन बाय वन करके सारे ऑप्शन को समझेंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी छोटी सी भी मेजर प्रॉब्लम है तो कैसे उसको पहचान करके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो है जिन्होंने, काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस ऑप्शंस के बारे में वीडियो बना रखा है कि वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट किस तरह के मिलेंगे एंड यहाँ पर आप सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनमें के अधिकतर यूट्यूबरों ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से किसानों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया और उनका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनके जो जितने भी बेनिफिट्स थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जितनी भी किस्त थी वो उनकी रुक चुकी है और ना ही उनका फ्यूचर में किस्त मिलने वाली। तो आइए इस ऑप्शन के बारे में हम समझते हैं कि ऑप्शन क्या है, किन किसानों को ये यूज़ करना है और किन किसानों को इससे ऑप्शन से बचना है, किनको यहाँ पर रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो आपकी सारी किस्तें रुक जाएंगी और जो फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं वो भी रोक दिए जाएंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर इसको पढ़िएगा, आफ्टर सरेंडरिंग फ्रॉम पीएम किसान स्कीम यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी फर्दर पीएम किसान कैश बेनिफिट। यानी कि अगर आपने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, अपने आपको अपने अकाउंट को सरेंडर कर दिया, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपके जितने भी कैश मिलने वाला था, जितनी भी किस्तें मिलने वाली थी, फ्यूचर में जो मिलेंगी वो आपके रोक दी जाएंगी। तो इसलिए अब यहाँ पर समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट पढ़िएगा, यू विल ऑल्सो नीड टू बी एबल रजिस्टर अगेन फॉर पीएम किसान स्कीम। यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब हम बात करते हैं, यानी कि हमारा अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा कैश रोक दिया जाएगा, यानी कि किस्त रोक दी जाएंगी और फ्यूचर में हमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो आखिर ये किस किसान के लिए है जो जिसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जो पात्रता थी, आपने अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था और आपकी ठीक ठाक किस्तें आ रही थी, लेकिन उस टाइम जिस टाइम पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम पे आप पात्र थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, लेकिन फ्यूचर में आपके किसी बच्चे की या फिर आपकी जॉब लग चुकी है, आपका परिवार अब सक्षम है कमाने के लिए, अब आपको लगता है कि हमें इसके बेनिफिट की जरूरत नहीं है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जरूरत नहीं है, गरीबों के लिए है,
और हम अब उस स्तर से ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे में आप अपने जो फॉर्म है, अपने जो अकाउंट है, उसको यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि आप इनसे बता सकते हैं कि हम जो है अब सक्षम हो चुके हैं, हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉबर है और हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हमें अब इस स्कीम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो हमें अनुदान मिलता था, यानी कि जो पैसा मिलता था, जो किस्त मिलती थी, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सरेंडर कर सकते हैं, जिस सिचुएशन में आप इसके जो पात्रता थे उस पात्रता स्थिति से आप उभर चुके हैं और उस स्थिति से आप आगे आ चुके हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे जो गैस की सब्सिडी मिलती थी, तो आपने वहाँ पर भी गैस की सब्सिडी लेने के लिए आप मना कर सकते थे, यानी कि फॉर्म भर सकते थे। दोस्तों बेसिकली ये जो ऑप्शन दिया गया था, ये उन लोगों के लिए दिया गया जो कि पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन अब बाद में वो सक्षम हो चुके हैं, अब उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिया गया था कि हम अपने अकाउंट को कैसे यहाँ से कैंसिल करें। तो बेसिकली उन्हीं किसानों के लिए है। अगर आप अभी भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तो अभी अपनी योजना को चलने दीजिएगा, मत रोकिएगा। अगर आप सरकारी, आपके घर में कोई सरकारी नौकर बन चुका है, या फिर आपके पास ज़्यादा ज़मीन हो चुकी है, आप भारी भरकम किसान बन चुके हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर सरेंडर करके अपने फॉर्म को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि इंडिया के अंदर ऐसे कितने किसान हैं जो कि इस फॉर्म को भरना चाहेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या हर किसान जो पात्र हो चुके हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं, क्या अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो पात्र होने के बाद भी, यानी कि पात्रता ना होने के बाद भी यहाँ पर इस फॉर्म को भरना चाहेंगे। तो बेसिकली आयोग का आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किसको ये फॉर्म भरना है और किससे इसको बचना है। अगर आपने धोखे से भी एक बार फॉर्म भर दिया और आप अभी भी पात्र हो, आप किस्तों को लेना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दी जाएंगी। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ गया है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, यानी कि किसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और किसको नहीं करना। अब आइए हम जानते हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस क्या है। ये भी एक नया ऑप्शन इस पीएम किसान पोर्टल पर ऐड किया गया है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये इसका क्या यूज है। तो इसका यूज समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नो योर स्टेटस से ही आप जान चुके होंगे कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना फॉर्म में, यानी कि अपने अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस भी तरह के कोई कमियां चल रही हैं, तो उसका आप यहां से स्टेटस जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कितनी किस्तें ले चुकी हैं वो भी यहां से जान सकते हैं, अपने अपना पर्सनल डेटा को अपडेट किया है वो भी यहां से आप जान सकते हैं, आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया है वो भी यहां से जान सकते हैं, आपने आधार EKYC की है वो भी आप यहां से जान सकते हैं, बैंक अकाउंट सेट किया है वो भी आप यहां से ईजिली पहचान सकते हैं। क्योंकि यहां पर बहुत सारे किसानों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी कि सर हमने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार EKYC तो कर दी, अब पता नहीं करी या नहीं करी, उसका पता कैसे लगाएं, तो वो यहाँ से आप लगा सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, कैप्चा कोड डालेंगे एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर एक OTP जाएगा एंड जस्ट आपको सबमिट कर देना है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पर तीन तरह के इस तरह के बॉक्स मिलेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आपके सामने बॉक्स आएगा, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा एंड नेम ऑफ फार्मर आएगा, फादर्स नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर आएगा। एंड यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल को चेक कर सकते हैं कि हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब का था एंड कब हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फार्मर का नाम क्या है वगैरह वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी चीज़ अपडेट करनी है तो बेसिकली यहाँ पर ही अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। अब जो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो लैंड है वो सीड हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको यस दिखाई देगा। एंड जो आपका आधार है वो बैंक अकाउंट से सीड हुआ है या फिर नहीं हुआ, आपको यहाँ पर भी यस दिखाई देगा। अगर आपकी EKYC हो चुकी है तो आपको यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई देगा, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर आपको रेड कलर का टिक दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं इजीली। एंड दोस्तों अगर आपको अपनी और भी बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करनी है, तो आपको अपने बीओ अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है और आपकी सारी यहां पर चीज़ें आ जाएंगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में वास्तव में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी किस्तें रुकी हुई हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो बंदा है इसको अपनी EKYC करने की ज़रूरत है और उसके बाद इसे किस्तें कंटिन्यू हो जाएंगी। एंड दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, अगर आपने अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से हाल फिलहाल में ही लिंक किया है तो आपको 15 दिन का वेट करना होगा, उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर अपने अकाउंट की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि आपने कौन सी किस्त देखना चाहते हो कि उस किस्त का पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला। तो आपको यहां पर आने के बाद काफी सारी किस्तें आ जाएंगी, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी किस्त आई है, कौन से बैंक अकाउंट में गई है, उसका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, यहां पर सारी चीजें आप इजिली चेक कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों आपको इस तरह से यहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन का यूज करना है, यानी कि आपको अपने स्टेटस से कोई भी अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए आप यहां पर आ सकते हो। और उसी तरह से अगर आपको नाम में या फिर किसी चीज में कोई करेक्शन करना है तो आपको सिंपली नेम करेक्शन एज पर आधार वाले
वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करेक्शन टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आप अपने नेम को आधार कार्ड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन ऑप्शन थे जिनको जानना आपके लिए काफी जरूरी था और इस तरह से आपको इन ऑप्शन से सावधानी बरत करके आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों 14 किस्त यानी कि 14वीं किस्त कब आएगी उसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो आई होप का आपको इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।